दोस्तों भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला T20 मात्र 9 ओवर में जीत लिया है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो पर, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलते तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 का सीरीज का आगाज हुआ था। यह मुकाबला वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा स्टेडियम में स्टार्ट हुआ था। वेस्टइंडीज ने पहले टॉस कर पहले बाजी करते हुए 4 विकेट पर 205 रन बनाए थे, जिसमें निकोलस पुनर ने 30 गेंद में 78 रन की 20 सफल तक पारी खेली थी। तो वहीं इनके अलावा कार्ल्स मैन ने 40 गेंद में 55 रन की पारी खेली थी। इनके अलावा जोसन होल्डर ने 30 गेंद में 35 रन बनाए थे। इस तरह वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट नुकसान पर 205 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को पीछे करने भारत की टीम को ईशान किशन और सुमन गिल मैदान पे आए, तो ईशान किशन ने मात्र 18 गेंद में 12 रन बनाकर पॉइंट लौट गए। तो इनके अलावा रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के मैदान पे, उन्होंने मात्र 12 गेंद में 10 रन बनाकर पॉइंट लौट गए। दूसरी छोर से बेहतरीन बाजी करने सुमन गिल ने 54 गेंद में 120 रन बनाकर आउट हो गए। तो इनके बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान पे आए। यहाँ पर सूर्यकुमार यादव ने 18 गेंद में 30 रन बनाकर नबाद रहे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद में 19 रन बनाकर नबाद रहे। भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया था। तो क्रिकेट से ऐसी खबर पाने के लिए क्रिकेट न्यूज चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।